आज का टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप को रन करना या ऑपरेट करना, ठीक है। लूप इधर लूप, आपका जो नॉर्मल लूप होता है, जो सिंगल लूप होता है, वो बेसिकली मल्टीपल रोस और सिंगल कॉलम को हैंडल करता है। जैसे हमारी हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम बनाया था, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या हो रहा है कि रो चेंज हो रही है, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3, लेकिन कॉलम कॉलम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सिंगल लूप इसके लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन इस सिनेरियो में अगर रो और कॉलम दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर आपको इनर लूप की। तो इसमें जो आउटर लूप होता है वो ऑपरेट लो रो, ठीक है, ठीक है। और जो इनर लूप होता है टू ऑपरेट कॉलम, ठीक है। इस तरह आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें, ये रो 1 है और ऊपर से ही कॉलम 1 है। जब यहाँ पे आएंगे तो रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो उसके बाद इधर आएंगे रो 3 पे आएंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4 कॉलम है या 5 कॉलम, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, तो अब इसमें होता है कि इनर लूप जो है वो डिपेंड करता है आउटर लूप पे, कि जो आउटर लूप की वैल्यू उतने टाइम ही इनर लूप चलेगा इस सिनेरियो में, ठीक है। जी अब्दुल रहमान, आर यू देयर? फजल रहमान, फजल रहमान जी, फजल आप आर यू देयर? जी सर, आवाज आ रही? ठीक, जी सर आ रही है। अब इसके लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें दो लूप चाहिए। डिक्लेयर आई फॉर इनर लूप, जे फॉर आउटर लूप, और एज इंटीजर आप डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। अब ये आउटर लूप है, फॉर आई इज इक्वल 1 to 5, ठीक है। इसका हम ड्राई रन बना लेते हैं। ये आई है और ये जे है और ये आउटपुट है। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 5, ठीक है। कंडीशन ट्रू है कि अंदर आ जाए, अंदर उसको एक और लूप मिला जे, जो कि इनर लूप है, फॉर जे इक्वल टू 1। यहाँ जे की वैल्यू 1 है, नाउ जे की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब, और आई की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, इसका मतलब 1 to i। तो जो आई की वैल्यू उतने टाइम इनर लूप चलेगा, जो आउटर लूप की वैल्यू है वही, या जो आई की वैल्यू उतने टाइम जे चलेगा, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 है, 1 less than equal to 1। यहाँ पे ये कंडीशन कंपेयर हो, क्योंकि 1 equal to 1 ट्रू है, तो ये आ जाएगा इधर, लिखा हुआ प्रिंट जे, तो जे की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी? जी फजल, यहाँ तक क्लियर है? एंड हार्दिक, फिर रिपीट कर दें। मैं सुन वो असल में अम्मा आ गई थी कमरे में, सुन नहीं रहा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अब ये मुझे बताओ फजल, आई की वैल्यू क्या है? हाँ, आई की वैल्यू, ये जो आई है ना, ये आउटर लूप है। हमें हमारी अच्छा हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने ये प्रोड्यूस करना है, ये वाला आउटपुट 1 1 2 और 1 2 3, ये ट्रायंगल प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड लूप, क्या पढ़ रहे हैं?
लेफ्ट से डूब, डूब के अंदर डूब, ठीक है। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या है, जी फर्दर बताओ किस कब कब आई की वैल्यू क्या कब है? क्या हो? ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ इफ फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 2 5 आई इज इक्वल टू 1 to 5 ना, वन तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है अभी, 1 है, ये 1 लिख दिया मैंने। अच्छा 1 less than 5 ये ट्रू है, ये जी सर। कंडी ठीक है ना, तो कंट्रोल आपका अंदर आएगा, अंदर इसको एक और लूप मिलेगा, ठीक है, अंदर आपको एक और लूप मिला जो कि इनर लूप है, इनर लूप कॉलम को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू क्या है, जी फजल हाजी का बताएं, जे की वैल्यू क्या है, ये वाला वन यहाँ पे आ गया, ठीक। ये आई और जे ये तो ये नॉन प्रिंटिंग है, ठीक है, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है जो गिवन आउटपुट है, ठीक है। अब देखो फादर ये बताएं जे जे कितने टाइम चलेगा, ये फजल जे कितने टाइम चलेगा, आधे का पता है जे कितने टाइम चलेगा, आई टाइम्स आई टाइम, आई टाइम में 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब इसने 1 प्रिंट कर दिया तो उसके बाद, अच्छा यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, वो है नेक्स्ट आई और नेक्स्ट जे, सॉरी नेक्स्ट जी, तो इसका मतलब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो ये वापस जे की तरफ जाएगा और चेक करेगा 2 less than equal to 1, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, जी 2 less than equal to 1 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ठीक टू लेस देन वन फॉल्स है फॉल्स है, फॉल्स है। है ना, तो जे से बाहर आ जाएगा लूप, जे से कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, आगे उसको मिलेगा प्रिंट न्यू लाइन, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा न्यू लाइन पे, यानी आई आई की पोजीशन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखी होगी नेक्स्ट आई, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, अब दिस इज 2 less than equal to 5, आदिक बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है ना, तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, अब ये चलेगा जे इक्वल 1 to i, तो जो आई की वैल्यू उतने टाइम इनर लूप चलेगा, ठीक है। अंदर आया तो जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा अब ये चेक करेगा जे की वैल्यू 1 है, 1 less than equal to 2, क्योंकि तो आई की वैल्यू 2 है, जी फजल बताएं 1 less than 2 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, तो हुआ अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट सर। करेगा, एक तो जे प्रिंट जे, तो अब क्या प्रिंट क्या अच्छा करेगा, जे जे प्रिंट करेगा जे की एक वैल्यू क्या दफा। है, नहीं जे की वैल्यू क्या अच्छा है, अच्छा जे के वैल्यू 2 होगी फिर या आए क्या आए नहीं, आए आए तुम्हें ड्राई रन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ड्राई रन जो बना हुआ है, ये ड्राई रन, ये जो जी सीधे सीधे हाथ में बना रहा हूँ तो ड्राई रन ये नजर आ रहा है, जी तो मुझे बताओ जे की वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो 1 वन प्रिंट होगा ना, हाँ ये सेकेंड रो पे 1 प्रिंट होगा, ये देखो हमने ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये 1, ये 1 2, ये 1 2 3, ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो हम सेकेंड रो पे आ गए, वहां का 1 प्रिंट हो गया, ये वाला 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद कंट्रोल ये नेक्स्ट जे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऐसे ही है? हाँ जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जे हो गया, अब जे की वैल्यू 2 हो गई, अब ये वापस जे जे लूप की तरफ जाएगा, ठीक है, तो जे की वैल्यू 2 हो गई,
अब बताओ ये जे है, जे टू लेस देन इक्वल ट्रू, आज ही का बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है? यहाँ कौन सी? ये जो टू लेस देन इक्वल टू, अभी जे की वैल्यू टू हो गई ना जी और आई की वैल्यू भी टू है, तो इसी से मैच करेगा ना, ये दोनों बराबर है जी तो इसका मतलब ट्रू हो जी गया। तो ये प्रिंट इधर इधर क्या कर देगा, प्रिंट जे, तो इसी रो पे रहते हुए रो नंबर टू, ये रो नंबर टू है ठीक है, ये टू प्रिंट कर देगा, समझ आया, ये वाला टू प्रिंट कर देगा ठीक यस है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जे, जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी। अब बताओ जे की पॉज वैल्यू, है। हाँ फॉल्स हो गई ना, जे की वैल्यू थ्री हो गई, तो ये जे से बाहर आ जाएगा, जे से बाहर आया तो इसको मिलेगा प्रिंट न्यू लाइन, तो कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा न्यू लाइन पे, समझ आई? तो और वहां पे प्रिंट न्यू लाइन के बाद ये नेक्स्ट आई होगा तो आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी ठीक है, आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। अब इसका मतलब अब ये आई अपने आप को चेक करेगा ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा आई थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव ठीक है। अब इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, ये इनर लूप की तरफ आ जाएगा। अब बताओ हार्दिक जे की वैल्यू क्या होगी? वन तो हम यहाँ पे जे की वैल्यू बन लेंगे, वन लेस देन आई, वन लेस देन आई, आई की वैल्यू थ्री है, मतलब आप बताएं आई की वैल्यू कितनी है, जी फजल बताएं आई की वैल्यू क्या है सर, और जे की वैल्यू क्या है वन सर, और आई की वैल्यू, थ्री आप बताओ इनर लूप कितने टाइम चलेगा? सर, दो दफा, नहीं, जो आई की वैल्यू होगी तीन उतने, दफा, हाँ सॉरी तीन 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 दफा, दफा तीन ठीक दफा। हाँ हाँ है ना, जो आई की वैल्यू होगी उतने टाइम इनर लूप चलेगा, तो इसका मतलब वन लेस देन इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन ट्रू है, ये जी सर। कंडीशन ठीक है ना। तो ये अंदर आएगा कंट्रोल प्रिंट जे, तो जे में अब जे क्या प्रिंट करेगा हार्दिक, वन वन, तो यहाँ वन आ जाएगा ठीक है, ये थर्ड रो का वन आ गया ये वाला, नेक्स्ट लूप को थ्री टाइम चलाऊंगा ठीक है, ताकि हम प्रॉम फाइंड कर सके। अच्छा अब बताएं नेक्स्ट आई, नेक्स्ट जे सॉरी नेक्स्ट जे, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी फाजल, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी फजल आर यू देयर, फजल फजल सर, टू हो जाएगी कहाँ चला गया, तुम जी सर। कहाँ रह जाते हो? सर आज असल में पता नहीं, अच्छा समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है, बताएं जरा। हर 2 मिनट बाद कोई कमरे में आ जाता है। दोबारा जे की वैल्यू टू हो जाएगी ठीक है, यहाँ पे हम टू लिख देंगे। अब ये वापस लूप की तरफ जाएगा ठीक है, अब ये जे की वैल्यू टू हो गई, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू, ट्रू तो अंदर आ जाएगा प्रिंट जे। अब बताओ क्या प्रिंट करेगा, टू, इसी लाइन पे रो नंबर थ्री पे रहते हुए टू प्रिंट करेगा ठीक है। थ्री अच्छा अब ये नेक्स्ट जे हो जाएगा, अब क्या वैल्यू हो जाएगी थ्री, उसके बाद ये वापस ऊपर लूप की तरफ जाएगा ठीक है, ये थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, जी बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, आधे का बताएं ट्रू ट्रू है ना, तो ये अंदर आ जाएगा और प्रिंट जे करेगा उसी रो पे रहते हैं ठीक है। अब जब ये यहाँ पे थोड़ा सा कम करता हूँ, अब ये फोर हो गया, जे की वैल्यू फोर हो गई, फोर लेस देन थ्री, कंडीशन फॉल्स है, फोर लेस देन, तो बाहर आ जाएगा, इसको मिलेगा नेक्स्ट प्रिंट न्यू लाइन, तो कर्सर आ जाएगा फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन पे,
अब चूंकि मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ कि ये 3 है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब हम इसको 4 कर देते हैं और 3 कर देते हैं, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी 4, ये 4 हो गया, 4 लेस देन 3 आउटर लूप से बाहर आ जाएगा, एंड फॉर हो जाएगा, और ये वाला आउटपुट आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, एक ट्राइंगल सी बन जाएगा। जी फजल, समझ में आया आपको कि इनर लूप और नेस्टेड लूप कैसे काम करता है? मेन पर्पज है कि आपको अंडरस्टैंड करने के नेस्टेड लूप काम कैसे करता है, ठीक जी सर, है? सही, यहाँ तक जी क्लियर है? सर, ठीक है, जी, ओके। इसका यहाँ पे भी देखें, या बना हुआ है पूरा ड्राई रन, जी ये ट्राई रन समझ में आ रहा है? जी फजल आपको समझ में आ रहा है? ठीक जी सर, है, तो आगे चलते हैं। चलें, इसका प्रोग्राम बना लेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी इसको ट्राई करें।
सर कितना किए? मैं भी आया हूँ, मैंने देखा ये ये वो तो मजा नहीं आया। वो देखो किसका नेस्ट डू बनाना है, नहीं। किस प्रोग्राम का नेस्ट डू, ओके सही, क्या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पाइथन पे बनाना है सूडो कोड में? अच्छा पाइथन तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, वो तो A2 का पार्ट है, सूडो कोड, हम सही तो सही सुडो कोड पढ़ रहे हैं। सही सही सही। तेरे इस लूप का क्या नाम है जो हम यूज कर रहे थे? नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का तो नेस्टेड कोई लूप। नाम नहीं है, हाँ सही वो सही कॉन्सेप्ट है। लूप तो तीन ही है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और रिपीट सही इंटरवल। हम कर रहे सही हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट है कि लूप के अंदर लूप को कैसे रन किया जाता है, क्योंकि सही है हमारा सर। जो पेज होता है वो रोज एंड कॉलम पे होता है ना, पेज को कैसे कंट्रोल करना है। वेरिएबल जो है ना डिफरेंट, C1 C2 ये कहते हैं कि R1 आर रो, आर फॉर रो और सी फॉर कॉलम, ये भी ठीक है। हाँ सर ये आज का वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? भाई पे लगाया हुआ। रिकॉर्डिंग्स होती कितना आपकी? हाँ वो मैं आपको भेज भेज दीजिएगा, मुझे जाना है ज़रा। जा रहे हो जी सही। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। जी सर। हाँ इसको ट्राई कर सकते हो। जी जी सर। अच्छा हैंड रिटर्न भेजा करो ताकि प्रैक्टिस का पता लगे। ठीक है ठीक अच्छा अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आ रही है, अ स्कूल हैज
हाँ भी ये हाजिर समझ में आ रहा है आपको, इसमें क्या कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। मेरे से नहीं होगा। जो भी सुडो कोड बनाओ ना, हैंड रिटन बनाओ, क्योंकि आपने वहां पे तो हैंड रिटन ही करना है ना पेपर में, ताकि एक इंडेंटेशन का कोड राइट करने का आइडिया होता रहे। अच्छा इसमें देखो, एक तो ये है, स्कूल है 3,000 स्टूडेंट सिटिंग फाइनल एग्जामिनेशन, ईच स्टूडेंट सिट्स 8 एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब इसमें हमें डिसाइड करने का आउटपुट ग्रुप कौन सा है और इनर ग्रुप कौन सा है। तो जाहिर है आउटर ग्रुप, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको आउटर ग्रुप चलाएगा, और एक स्टूडेंट 8 एग्जामिनेशन दे, सही है? तो एग्जामिनेशन को कौन ऑपरेट करेगा? इनर ग्रुप, सही। अब जाहिर है इनर ग्रुप के अंदर भी इनपुट देंगे, इनपुट द मार्क्स पर और 8 एग्जामिनेशन पर ईच स्टूडेंट। आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 कर देते हैं, ताकि हम इजीली इसको एवेल्यूएट कर सकें। आउटपुट पर ईच स्टूडेंट एवरेज मार्क्स पर देयर 8 एग्जामिनेशन, जो भी स्टूडेंट है यानी यहाँ पे 8 एग्जामिनेशन, इसको 2 कर देते हैं, 2 एग्जामिनेशन का आउटपुट शो करना है, यानी इसका एवरेज, इसका मतलब टोटल भी आएगा, आउटपुट द हाइएस्ट मार्क्स ओवरऑल, ठीक है। जब ये आउटर ग्रुप से थोड़ा बाहर आएगा तो ये कंपेयर करेगा कि हाइएस्ट मार्क्स किस किस स्टूडेंट है, इस बेस में अब हो जाएगा या फर्दर डिस्कस करें। राइट, ट्राई करता हूँ। फिर हाईएस्ट मार्क मतलब हर स्टूडेंट में से हाईएस्ट मार्क। नहीं, हाँ मतलब हर स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स, यार अगर हाँ अच्छा ठीक है। जी कर दें।
हाँ काफी हद तक सही है, फर्दर देख ले। इसमें जब भी हाईएस्ट कैलकुलेट करवाना हो तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना वो 0 या -1 रखते, बाद में वो स्वैप हो जाता है। जैसे ये दिया हुआ है फॉर स्टूडेंट 1 to 3,000, इसके अंदर टोटल स्वैप है 0 कर देंगे, एवरी टाइम जब स्टूडेंट चेंज होगा तो उसका टोटल वो नेक्स्ट वन के लिए टोटल 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 to 8, यहाँ पे आपने इनपुट करवा लिए मार्क्स, ठीक है, टोटल इक्वल 12+ मार्क्स। अब जो हाईएस्ट मार्क्स है क्योंकि यहाँ इनिशियली भी -1 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक मार्क ग्रेटर देन हाईएस्ट, अब जो भी पहला मार्क्स आपने डाला यहाँ पे फर्स्ट करें 40 ग्रेटर देन हाईएस्ट है 2 है तो मार्क्स हाईएस्ट में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट नंबर 1 के, सॉरी स्टूडेंट नंबर 1 के, एग्जाम नंबर 1 के जो मार्क्स है 40 हो जाएंगे, ठीक है। ये एवरी टाइम ये अब 8 8 जो कितने 8 टाइम कह रहे हैं 2 टाइम कह रहे हैं ये मार्क्स इनपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होता रहेगा 8 टाइम्स, जब से बाहर आएगा तो ये एवरेज कैलकुलेट करेगा टोटल डिवाइड करेगा और यहाँ पे आउटपुट एवरेज, ठीक है। और जब ये इनर लूप से आउटर लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे आउटपुट हाईएस्ट, समझ आया। जी ये फर्दर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, इसको लेसर करके हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 ले लेंगे यानी कॉन्स्टेंट, और मैक नंबर का 2 कर देंगे, ठीक है, और हाईएस्ट मार्क्स ओवरऑल 0 कर देंगे। लूप थ्रू ईच स्टूडेंट यहाँ पे हाँ पाइथन हाई पाइथन, में, ठीक ये पाइथन में है, ये इसका आउटपुट है। हाँ इसको ट्राई कर लो।
जी सर। ये जो लोएस्ट है ना, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है और हाईएस्ट की वैल्यू जीरो या माइनस में होती है। सही। जी मैंने एफटिप कर दिया। यहाँ पे देख ये मैंने बताया ना, हाईएस्ट की वैल्यू आपने माइनस वन रखनी है या जीरो रखनी है, लोएस्ट की वैल्यू आपने ग्रेटर देन जीरो रखनी है, 100 या 1000 या 10,000। टोटल ईयर यहाँ पे जीरो है, मेरा टोटल ईयर चाहिए। ये पहला लूप चलेगा पर कॉल पर वो सी 1 2 3 4 पर नंबर ऑफ डेज के लिए, और यहाँ पे टोटल जीरो कर, ये है टेम्परेचर के लिए पर डे पर 1 to 10 के डी है। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया और आपने उस दिन का पहला टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, 10 टाइम आपने इसको कैलकुलेट करना है। फिर आपने टोटल ईयर में इसको वैल्यू स्टोर कर दी, जो भी टोटल डे की वैल्यू एफ की वैल्यू ईयर में डाल दी, ईयर भी साफ अपडेट है। यहाँ पे एक टेंथ ग्रेटर देन हाईएस्ट, टेंथ टेंथ की वैल्यू हाईएस्ट स्टोर कर लो, टेंथ लेस देन लोएस्ट देन टेंथ की वैल्यू लोएस्ट स्टोर कर लो। जब ये अनुरूप से बाहर आएगा यहाँ पे एवरेज डे कैलकुलेट होगा, प्रिंट करेगा एवरेज। यहाँ पे एवरेज ईयर कैलकुलेट होगा जब ये आउट रूम से बाहर आएगा, 365 होगा मल्टीप्लाई 100 होगा, और ये प्रिंट हाईएस्ट लोएस्ट और एवरेज। ठीक है, जी काफी आज के लिए। जी ठीक अच्छा, कल की है, क्लास पांच ऑफिस बजे कल की क्लास 5 बजे ठीक है? 5 बजे। ओके तो ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हाँ मैं ठीक है, अल्लाह हाफिज़।